इंदौर में बीच सड़क पर एक महिला का 2.5 लाख का हार लुटेरे छीन कर फरार हो गए। जिस वक्त वारदात हुई, महिला शादी में जाने के लिए घर से निकली थी और लूट की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वो धीरे से आए और तेजी से लूट ले गए। बीच सड़क पर 2.5 लाख की लूट। इंदौर की सड़क पर चेन स्नैचिंग। सिर्फ तीन सेकंड और हो गई 2.5 लाख की लूट। एक झपट्टा मारा और हाथ में आ गया लाखों का हार। कहां हुई ये लूट, कौन थे बाइक वाले ये स्नैचर, सब बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले चेन स्नैचिंग के स्लाइड वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। ये लुटेरे किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं। अक्सर महिलाओं को बनाते हैं ये लुटेरे लूट का शिकार। इंदौर के विजयनगर इलाके में बाइक वाले इन दो लुटेरों ने महिलाओं से लूट की। कैसे हुई ये वारदात, तस्वीरें शुरू से देखिए। शाम का वक्त है, इस गली में तीन महिलाएं जाती हुई दिखाई दे रही हैं, लाल काली और ऑरेंज साड़ी में। ये महिलाएं कुछ दूर चलती हैं, तभी इस मोड़ से बाइक पर आते हैं ये दो लुटेरे। बेहद धीमी रफ्तार में लुटेरों की बाइक महिलाओं के करीब आ जाती है। जब तक महिलाएं कुछ समझ पाती, तभी बाइक पर पीछे बैठे इस लुटेरे ने किनारे चल रही महिला के गले पर झपट्टा मार दिया। महिला के गले में पहना हुआ हार लुटेरे के हाथ में आ गया। जब तक ये महिला संभल पाती, लुटेरे यहां से तेजी से आगे निकल गए। महिला के गले में बेहद कीमती सोने का हार था, जिससे लुटेरे सिर्फ 3 सेकंड में लूट कर फरार हो गए। वो उनका मंगलसूत्र, जो कि ज्वेलर्स की भाषा में उसको रानी हार कहते हैं, करीब 7 से 8 तोला का था, वो खींच के ले गए। उसी के साथ मंगलसूत्र भी खिंचाया, पर उन्होंने जब गर्दन को पकड़ा तो अब मंगलसूत्र आधा टूट कर भाभी के हाथ में रह गया। वो बाकी जो बची हुई चेन प्लस रानी हार, वो जो चेन चोर थे वो खींच कर भाग। जिस वक्त लूट हुई, तब ये महिलाएं घर के पास में ही शादी में जाने के लिए पैदल ही निकली थी। लुटेरों को पहले ही अंदाजा था कि इस गली से कई लोग शादी में जाने के लिए घर से निकलेंगे, लेकिन लुटेरे यहां पहले ही बाइक पर घूम रहे थे। इस वारदात को अंजाम देने के लिए लुटेरों ने बिना नंबर की बाइक का इस्तेमाल किया।